आज पाँच साल हो गए, एक साल से चौकी बंद ना कर, सब साल हो गया। कहाँ है वो सर? दो नंबर मार के चला गया। पुलिस वाले के सामने मुझे मारा, पुलिस वाले सामने पढ़ रहा था। नहीं सर ये गलत है ना, एक साल से चौकी बंद है यहाँ पे, क्या सुरक्षा सर स्टाफ के लिए? रात दिन सेवा कर रहे, मार मार के देखो काम कर रहे हैं। मेरे को अभी जैसी फोन आया ना, पुलिस का फोन आया, फिर नायक की बात किया। मैं सबसे पहले एसपी साहब से बात किया, मैं बोला कि पिछले बार हम लोग बोले थे, हम लोग टीएल मीटिंग में उठाए थे इस चीज को, क्योंकि मैं बीच में दो तीन बार आया ना कलेक्टर साहब के साथ, उस समय भी मैं देखा और पहले भी मैं देखा था कि यहाँ पे पहले जो पुलिस वाले लोग रहते थे और पहले भी जो पुराने लोग हैं उन लोग को पता है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना उन लोग जो काम नहीं करते पुलिस में ना उनको यहाँ बैठा है ना, रोक भी नहीं सकता। तो मैंने ना वहाँ पे बोला और उनको ये बताया कि मैं बोला सर यहाँ पे ना सुरक्षा किसी दिन भी गड़बड़ होगा फिर बोलना मारे। तो एसपी साहब बोले थे, उसी समय बोले थे कि नहीं नहीं हम लोग करवा देंगे। उसके बाद एक मीटिंग और हुई, एक मीटिंग हमारी राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे हो रही थी, उस समय ये वाली बात फिर उठाया मैंने कि यहाँ पे भी पुलिस सुरक्षा नहीं है, वहाँ पे भी नहीं है। अभी मैंने एसपी साहब से बात किया और मैं बोला कि आपका कोई अधिकारी आए यहाँ पे या आश्वासन दे यहाँ पे आके, तब हम लोग इन लोग शांत होंगे, नहीं तो इन लोग शांत वांत नहीं होने वाले। आप जानते हैं सर यहाँ पे 8-10 बार हो गए, 4-5 डॉक्टरों को मारा गया, बहनों लोगों से अभद्रता व्यवहार हुआ है, गाली गलौज हुआ है सर। हम लोग क्या यही सर इसी के लिए नौकरी में आ रहे हैं सर? इनका क्या सेफ्टी है सर? रात को ये 8 बजे जा रही है, क्या सेफ्टी है बताइए? फोर्थ क्लास में रजिस्टर करके 12 बजे रात को थाना जाते हैं, मालूम है तैयार कर लिए। देखो मैं चूंकि यहाँ पे तुम लोग का मैं सिविल सर्जन के लिए, इसलिए 2-3 चीज मुझे ही पता है। पहला ये कि जब ना यहाँ पे जैसी डेथ होती है तो लोग हंगामा मचाते हैं, ठीक है, उन लोग देखते भी रहते हैं कि हमारी सिस्टर बहुत मेहनत करती है, डॉक्टर बहुत मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी हंगामा मचाते हैं। और मैं उस समय भी बोलता हूँ कि जिस समय बॉडी यहाँ से मारचुरी तक जाती है उस समय क्या सुरक्षा है, कौन चलना है? एक क्लास फोर एम्प्लॉई जाता है बेचारा, वो जीवन की स्थिति में संघर्ष से जाते हैं, मैं बोला उसकी कोई सुरक्षा नहीं। नंबर एक कर्मचारी लोग मांगते हैं। देखिए शुक्रवार के दिन ना 10 तारीख को हमारे यहाँ पे एक बड़ी दुखद घटना हुई, उसमें ये हुआ कि हम लोग होली के समय, वैसे भी आप लोग जानते हैं कितना प्रेशर रहता है काम का, और हमारी सिस्टर बहनें जो है वो बहुत अच्छे से काम करती रहती है, उस बीच एक व्यक्ति जो है वो किन्नर कह रहे हैं उसे, वो आया था और आ करके वो बहुत ही बदतमीजी किया हमारी सिस्टरों के साथ, मारपीट करी, और यह घटना बड़ी दुखद है। इसके लिए मैं जो है एसपी साहब से निवेदन किया था और एसपी साहब ने मुझे बोला है, और इसके पूर्व में भी हम बोल चुके थे, पहले भी हमने कलेक्टर मीटिंग में भी इस चीज़ को उठाया था कि हमारे अस्पताल में पहले पुलिस चौकी थी और अभी वो पुलिस चौकी नहीं है। तो उन्होंने अभी तो आश्वासन दिया और आज ही आश्वासन मुझे दिया है कि 2 दिन के अंदर हम यहाँ पे पुलिस चौकी का निर्माण कर देंगे और 1-4 की यहाँ पे वो रहेगी। और हमारी ये भी मांग साथ में है हमारी सभी लोगों की कि जब यहाँ पे पुलिस चौकी है तो हम कोई भी FIR के कागज़ जो है, किसी भी चीज़ को हम जो मेमो है हम उसको पुलिस थाने तक हमारे न जाए, वो यही हम लोग दे दें और उसके बाद जो भी प्रक्रिया पुलिस को करें। बिल्कुल सही,